अब बात कर लेते हैं चुनाव की। नतीजे काफ़ी हद तक अब साफ हो चुके हैं रुझानों में, और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में जयललिता का जलवा कायम है। और ज़्यादा अपडेट के लिए, ताज़ा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शिल्पा हमारे साथ जुड़ी हैं। शिल्पा, पश्चिम बंगाल में तो इतिहास दोहराया गया है, क्योंकि वहाँ पर लंबे समय तक किसी एक पार्टी की सरकार बनने का इतिहास रहा है, लेकिन तमिलनाडु में इतिहास बदला है और जयललिता का जलवा कायम है, और ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल मृत्युंजय, शुक्रिया। और दर्शकों को हम ताज़ा अपडेट देंगे इन विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र। नतीजे बेहद यहाँ पर दिलचस्प अब सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पर क्लियर कट मेजॉरिटी ममता बनर्जी की तरफ 214 सीटों पर, तो जाहिर है कि दीदी का जो जादू है वो बरकरार है। और अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर उलटफेर है एग्जिट पोल में, चूंकि संकेत मिल रहे थे कि डीएमके सत्ता में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्मा ने यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है, तो तमिलनाडु की जनता ने एक बार फिर से अम्मा पर विश्वास जताया है। और वहीं अगर केरला की बात की जाए, तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में यहाँ पर कंपटीशन था, जहाँ पर एलडीएफ बढ़त बनाए हुए, यूडीएफ जाती हुई दिख रही है। और पौंडीचेरी की चलिए मृत्युंजय यहाँ पर बात कर लेते हैं। दर्शकों को बताएं कि बीजेपी यहाँ अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, और कांग्रेस जो है यहाँ पर 6 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो वहीं अगर वेस्ट बंगाल का एक बार फिर से रुख करें, तो दीदी का जादू बरकरार रहा है, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी ने खास तौर पर ग्रामीण इलाकों पर जोर दिया था। वहाँ पर जो जनसंवाद इन्होंने किया है ग्रामीण इलाकों में, लोगों से जाके ये जरूर रंग लाया है। असम की बात की जाए, तो 126 सीटें जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, और एग्जिट पोल में भी इसी तरीके के संकेत मिल रहे थे। तो बीजेपी ने असम में 2 क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, तो पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार पहली बार बनने जा रही है। और पौंडीचेरी में हमने आपको बताया कि कांग्रेस जो है 6 सीटों पर आगे चल रही है, AIADMK महज 1 सीट, और जो अन्य है वो 8 सीटों पर फिलहाल चल रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में वही स्थिति बनी हुई है, तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से तमिलनाडु में जो वहां पर जनता है उन्होंने अम्मा पर विश्वास जताया, और वेस्ट बंगाल में भी ऐसी ही तस्वीर जरूर ममता बनर्जी के पक्ष में नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो निश्चित तौर पे काफ़ी दिलचस्प नतीजे हैं, और ममता बनर्जी जिस तरह से वहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, टीएमसी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और 215 सीटों से भी ज़्यादा पर कब्जा, तो ये कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त जीत ममता बनर्जी की यहाँ पर कही जा सकती है। और कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफ़ी बड़ा झटका, क्योंकि इस चुनाव के बाद, असम हारने के बाद, सिर्फ 6 राज्यों में कांग्रेस का कब्जा रहेगा, और उसमें से भी सिर्फ कर्नाटक एक बड़ा राज्य कांग्रेस के पास बच जाएगा, और जो वोट परसेंटेज है कांग्रेस का वो 60% तक सिमट जाएगा। तो एक बड़ी पार्टी की बड़ी हार विधानसभा चुनाव में हो रही है, इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब विधानसभा की तस्वीर क्या होगी पश्चिम बंगाल में, आप स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे हैं। बीजेपी की जो बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी उत्तर पूर्व में, और साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं कुछ सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। 7 सीटों में बीजेपी आगे है, लेकिन टीएमसी के लिए जबरदस्त विक्ट्री है ये, 213 सीट। पॉलिटिकल पंडित ने भी इतनी बड़ी जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी, तो ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बूस्टर है, और कहीं ना कहीं ये इस बात के भी संकेत हैं कि ममता बनर्जी की जो पकड़ है, जो मास लीडर की एक छवि थी ममता बनर्जी की राज्य में, वो अभी भी कायम है, और उस पर कहीं ना लेफ्ट अब तक कोई सेंध नहीं लगा पाया है। तमिलनाडु की स्थिति आपके सामने, आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु विधानसभा की तस्वीर क्या होगी। AIADMK 127 सीटों पर अभी तक के जो रुझान है इसके मुताबिक AIADMK आगे है, और DMK 95 सीटों पर। तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि हर 5 साल पर सरकार वहां पर बदलती है, लेकिन इस बार इतिहास वहां पर बदल चुका है, तमाम समीकरण टूट चुके हैं, और अम्मा का जलवा तमिलनाडु में इस बार भी कायम होता हुआ दिख रहा है। तो चुनावी समीकरण इस बार टूटे हैं, राजनीतिक समीकरण इस बार बदले हैं, और आपके सामने अब स्क्रीन पे असम विधानसभा की तस्वीर है। बीजेपी प्लस 74 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 32। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, एक बड़ा राज कांग्रेस के हाथ से यहां पर निकलता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी के लिए बड़ी विक्ट्री इसलिए है कि उत्तर पूर्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो रही है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आर बालाशंकर जुड़े हैं। बालाशंकर जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। असम में आपकी एक बड़ी जीत हो रही है, और उत्तर पूर्व में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा?
अब आप कीजिएगा, हमारे साथ अमित मालवीय है बीजेपी के। अमित जी, आपका पहला कमेंट क्या होगा, आप असम में आपकी सरकार बनने जा रही है, इस जीत का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? देखिए, असम में बीजेपी की सरकार बनना अब तय है और इसके लिए हम असम की जनता का बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये जीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि असम एक बॉर्डर प्रदेश है। हाँ। और वहाँ पे जिस तरीके से घुसपैठियों को लेके हाँ। बहुत सालों से राजनीति करी जा रही है, उस पे एक तरह से एक नई विचारधारा को लेकर उसका समाधान ढूंढना जरूरी है। ठीक है अमित, अमित जी, लेकिन मेरा अगला सवाल, अमित जी मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, असम में जो आपकी जीत हो रही है, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी का इम्पैक्ट है या फिर मोदी जी ने जो वहां पर जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया, इसका इम्पैक्ट? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी असम में एक बहुत बड़े आइकन, बहुत बड़े नेता की तरह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गोगोई जी ने जो सरकार चलाई वहां पे पिछले 15 सालों में जहां पे कि असम हर डेवलपमेंट के इंडिकेटर पे सबसे नीचे पायदान पे आ गया, हाँ। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। हाँ। दूसरी बात, कांग्रेस ने इस चुनाव को बिल्कुल पोलराइज करने की कोशिश करी, उन्होंने मुद्दों से हट के इस चुनाव को लड़ने की कोशिश करी जी, और जी। असम की जनता ने उन्हें इस कारण से सत्ता से बाहर कर दिया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।